हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सेजवान मसाला चीज सैंडविच। बहुत टेस्टी लगता है और कभी कभी क्या होता है ना, भूख लगी होती है और कुछ स्पाइसी सा खाने का मन होता है, तब आप इसे जरूर ट्राई करें। सच बता रही हूँ, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को एंजॉय कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की। ये 5 से 6 आलू हैं, इनको मैंने उबाल कर इस तरीके से मैश कर लिया है रफली, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा प्याज और थोड़े से धनिया पत्ते। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा टमाटर। और अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर। सब्जियां आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, गोभी, गाजर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और नमक डालना भूल गई थी तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इन्हें हम साइड में रखकर ब्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें ये बटर लगा देंगे, आप बटर की जगह घी भी लगा सकते हैं। देखिए इसी तरीके से सारे तीनों ब्रेड में, 3 ब्रेड के हम सैंडविच बनाएंगे तो तीनों में लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया है तीनों में। और अब हम इस पर 1/2 चम्मच मेयोनीज का डाल देंगे। और अब हम इस पे सेजवान चटनी डाल देंगे 1 चम्मच। ये मैंने निलॉन्स की सेजवान चटनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हैं तो इसका ट्रायल पैक भी आता है, वो आप ले सकते हैं। और इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, ये देखिए चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे। अब हम इस पे रख देंगे ये आलू वाला मसाला। और देखिए जिस तरफ बटर लगा है उस तरफ रखकर अब हम इस बीच वाले ब्रेड पे लगाएंगे ग्रीन चटनी। अगर आप चटनी का वीडियो देखना चाहते हो तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। अच्छे से चटनी लगा दी। अब हम इस पे डाल देंगे, ये मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में कट करके शिमला मिर्च डाला है, आप गोल स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने प्याज भी लंबे स्लाइसेस में कट किया है, उसे डाल देंगे। और अब हम इस पे डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने सब्जियों को लंबा काटा है, अगर आप गोल स्लाइसेस में कट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। और अब हम इस पे डाल देंगे सबकी फेवरेट चीज। तो यहाँ पर ये मैंने चीज ग्रेट करके डाला है, अगर आपके पास स्लाइस चीज है तो आप वो भी डाल रख सकते हैं। और जो लास्ट वाला ये ब्रेड बचा है इस पे फिर से हम सेजवान चटनी लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से पूरे में अच्छे से लगाकर इसे कवर कर देंगे हम।
तो ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार है और अब हम इसमें ऊपर वाले ब्रेड पे बटर लगा देंगे। और अब हम एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा देंगे गैस पर और जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो जिस तरफ हमने बटर लगाया है हम सैंडविच को उसी तरफ से रखेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें ऊपर की तरफ से भी बटर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से दोनों तरफ से ये देखिए सेक लेंगे और आराम से पलट देंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से और प्रेस करते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और सेकेंगे हम इसे लो फ्लेम पर ही जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो। ये देखिए तो ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छा से सिक चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। और चलिए मैं दिखाती हूँ ये ऊपर से कितना क्रंची है। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए कितना क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये देखिए हमारे सेजवान मसाला चीज़ी सैंडविच बनकर तैयार हैं और कलर देखिए इनका कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और चलिए अब इन्हें हम कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैंने इन्हें टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इन्हें किसी के साथ भी खाएं, टमाटर की चटनी या हरी चटनी के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।